उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पुलिस को और अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए राजधानी लखनऊ और नोएडा में कमिश्नर प्रणाली सहित सभी जिलों में बीट प्रणाली लागू की है। वहीं अब उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे पुराना साथी युद्धा होने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं उस हथियार की जिसकी मारक क्षमता को देखते हुए एक दवा कंपनी ने अपने उत्पाद को भी वही नाम दे दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस जवानों के कंधे किसान रही 303 राइफल जो 26 जनवरी को हमेशा के लिए जुदा होने जा रही है। दरअसल 303 की जगह अब पुलिस कर्मियों के हाथों में इंसास राइफल दिखाई देगी। हालांकि अधिकतर पुलिस कर्मियों को इंसास राइफल का वितरण पहले ही हो चुका है, बाकी बचे पुलिस कर्मियों को भी जल्द ही इंसास सौंप दी जाएगी। 26 जनवरी के परेड के बाद 303 राइफल का विदाई समारोह आयोजित किया जाएगा और 303 को अंतिम सलामी दी जाएगी। 303 की बहरा कर देने वाली बुलंद आवाज जो बेहोश को भी होश मिलाकर खड़ा कर दे, जिसके नाम से चंबल के डाकू और पीहड़ के अपराधी थरथराते थे। सन 1945 में यूपी पुलिस की हिम्मत बढ़ाने वाला यह शानदार हथियार 26 जनवरी की परेड में आखिरी बार पुलिस जवानों के हाथ में दिखेगा, फिर हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। हरदिल अजीज इस राइफल को शायद ही कोई पुलिस का जवान भूल पाएगा, लेकिन वक्त के साथ स्मार्ट होती पुलिस के लिए स्मार्ट हथियारों की जरूरत के चलते अब स्वदेशी इंसास राइफल पुलिस कर्मियों के कंधे की शान बनेगी। आपको बता दें कि 303 को ब्रिटेन की इनफील्ड कंपनी ने तैयार किया था। आजादी के बाद से ही यह राइफल खाकी की शान बनी हुई थी, जिसकी मारक क्षमता 2 से 2.5 किलोमीटर तक थी। वहीं अब बात करें पुलिस के नए हथियार इंसास की, तो यह एक असाल्ट राइफल है जो भारत में निर्मित है। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा इस हथियार का सबसे अधिक इस्तेमाल किया गया था। यही नहीं, यह सेना का लोकप्रिय हथियार भी कहा जाता है। खैर, अब ये उत्तर प्रदेश पुलिस जवानों के कंधे की शान बनने जा रही है।